प्रथम तहलका न्यूज। निकिता हत्याकांड मामले में फरीदाबाद पुलिस की एसआईटी ने रिकॉर्ड तैयार कर दिया है। बता दें कि निकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी ने 11 दिनों के अंदर ही चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी है और 600 पन्नों की इस चार्जशीट में 60 गवाह बनाए गए हैं। तो वहीं पुलिस का दावा है कि चार्जशीट दाखिल करते समय डिजिटल फॉरेंसिक और मटेरियल एविडेंस का सहारा लिया गया। पुलिस के मुताबिक उनके पास मृतका का डाइंग डिक्लेरेशन भी मौजूद है। एसआईटी द्वारा चार्जशीट दायर करने के बाद निकिता के मामा एवं वकील ऐदल सिंह ने कहा कि अब तक की पुलिस की कार्रवाई से वो काफी हद तक संतुष्ट है और तय समय में ही पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दायर कर दी है। अब अदालत को देखना है कि किस तरह से निकिता हत्याकांड मामले में फैसला सुनाती है। निकिता मर्डर केस में फरीदाबाद पुलिस ने आज रिकॉर्ड 11 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट 600 पेजों की है और उसमें करीब 60 विटनेसेस रखे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन पूरे साइंटिफिक ग्राउंड्स पर की है, जिसमें मटेरियल फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी विटनेसेस भी हैं और लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन भी है, जो इसको लड़के को सजा करवाने में हमारे काम आएगा। ये हत्या के बाद लगातार लोगों के मन में कहीं इस बात को लेकर डर था कि चूंकि दूसरी पार्टी जो है ये काफ़ी मजबूत परिवार से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से संपर्क रखती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई कमी ना रह जाए, तो किस तरह से आपने? इसमें हमने ऐसा कोई हमारे पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है और हमने इसको जो चार्जशीट को भी कई लीगल एक्सपर्ट से चेक करवाया है ताकि इसमें कोई कमी पेशी ना रहे और फरीदाबाद पुलिस इन मुलजिमों को जल्द से जल्द सजा करवाए। देखो, चार्जशीट उन्होंने जमा कर दी है, अच्छी प्रिपरेशन की है पुलिस ने, बहुत जल्दी की है वो। एक देखा जाए तो उन्होंने बहुत, हमारी प्रशासन ने बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेके टाइम से पहले चार्जशीट आज कोर्ट में बता रहे हो आप जमा कर दी गई। जिस तरह से एसआईटी की टीम आपसे सबसे पहले पहुंची थी, मुलाकात की थी और आपको भरोसा दिया था 10 दिन में चार्जशीट दायर करने की, तो अपने टाइम पर वो कर दी है। एसआईटी ने अपने टाइम पर चार्जशीट जमा करा। तो क्या आप अब तक का जो पुलिस का स्टेप रहा है इस मामले में संतुष्ट है परिवार? हाँ, पुलिस से हम संतुष्ट हैं। एक परिजन की तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि भाई जब तक आरोपियों को फांसी ना हो जाए तब तक संतुष्ट कैसे हों, तो क्या ये वो आगे प्रक्रिया आगे की है पुलिस का? तो इन्वेस्टिगेशन करके चालान को कोर्ट में पेश करना होता, फिर सारी गवाही होंगी, वो गवाही होने के बाद वो जुडिशरी का काम है, जजों का काम है। तो पुलिस से क्या अभी भी कोई उम्मीद लगाए हुए हैं परिजन या कोई? पुलिस से उम्मीद है, पुलिस हमें कोऑपरेट कर रही है, शुरू से ही हमारे कोऑपरेट किया पुलिस ने हमारे इस केस में जी। तो क्या लगता है चार्जशीट में क्या ये जो तीन आरोपी हैं तौसीफ, अजरुअर, रेहान, इसके अलावा और भी किसी का नाम शामिल है क्या? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता इस बारे में। अभी तक की कार्रवाई से पुलिस के साथ संतुष्ट? हम अभी संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई से। दरअसल निकिता हत्याकांड मामले पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की नजरें टिकी है और सभी को मामले में फैसले का इंतजार है। लोगों को इंतजार है कि मासूम की हत्या करने वाले आरोपियों को आखिर क्या सजा मिलती है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।